करने पर चर्चा हो सकती है। साथ ही यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले से भी निपटारा मिलने के लिए संशोधन आ सकता है। आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। आलोक, ये फर्टिलाइजर वाली खबर पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन आज वैसे भी स्टॉक मार्केट में दिख रहा है, बताइए क्या पकड़ रहे हैं आप, क्या पोजिशनिंग रह सकती है जीएसटी काउंसिल की? बिल्कुल, देखिए जो फर्टिलाइजर, केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स है, इसको लेकर इंडस्ट्री की मांग थी कि इसको पूरी तरह से इस पर जीएसटी एग्जाम कर दिया जाए। अभी इस पर 5% जीएसटी है, लेकिन जो फिटमेंट कमेटी ने इस पर पूरा अगर एनालिसिस किया तो पाया कि अगर हम फर्टिलाइजर को पर से जीएसटी पूरी तरह से एग्जाम कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो इसमें इन्वर्जन ड्यूटी यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इनपुट जो होता है उस पर कई तरह के जीएसटी ज्यादा लगते हैं, लिहाजा ये दिक्कत आ सकती है। तो अब इस पूरे मामले को जो रेट रेशनलाइजेशन कमेटी है जीएसटी की, जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता वाली कमेटी है, उसमें रेफर करने पर सिफारिश की गई है फिटमेंट कमेटी की। तो जीएसटी काउंसिल इसको रेफर कर सकता है रेट रेशनलाइजेशन कमेटी पे, वही आखिरी फैसला लेगा। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा है। इस पर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स है उससे निपटारा करने के लिए सरकार उसका समाधान निकालने के लिए इस बैठक में चर्चा कर सकती है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग को अभी इस बैठक में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अभी कयास लगाना बेमानी है, क्योंकि इसमें अभी ये कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल एक्साइज में जो एक प्रावधान होता है 11A के तहत, उसमें ये होता है कि सेंटर और स्टेट को एक पावर दी जाती है ताकि वो जो भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होते हैं या इस तरह की कोई विवाद होती है उसको वेव ऑफ कर सकते हैं। तो अभी इस प्रोविजन को जीएसटी एक्ट में इंस्टेट करने के लिए ये चर्चा हो सकती है। अगर ये रीइंस्टेट हो जाता है नया सेक्शन अगर जीएसटी एक्ट में, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन गेमिंग, जिसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड है, रेट्रोस्पेक्टिव इंश्योरेंस सेक्टर है, कई सारे और भी सेक्टर है, इन सभी सेक्टर्स को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। लेकिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर जुलाई में हियरिंग है, लिहाजा उसी हियरिंग के लिहाज से जीएसटी काउंसिल तैयारी कर रही है, सरकार तैयारी कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इस तरह का प्रस्ताव रखा जा सके, और जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो झंझट है ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री को लेकर, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा निजात मिल जाए। तो ये मोटा मोटी जीएसटी काउंसिल का मेन एजेंडा है। कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिस पर दाम कम कर सकते हैं, जैसे हिमाचल सरकार की मांग थी कि एप्पल कार्टन होता है उस पर 18% जीएसटी लगता है, उसको घटाकर 12% किया जाए। जो सोलर कुकर होते हैं उस पर जीएसटी अभी 18% लगती है, उसको घटाकर 5% किया जाए। इसी तरह के कई सारे आइटम है, एयरपोर्ट्स के एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, तो ये कई सारे जीएसटी के रेट्स में भी यहाँ पर कमी देखी जा सकती है। लेकिन जो मेन इशू है ये यही है कि ऑनलाइन गेमिंग को किस तरह से राहत दी जाए, और दूसरा फर्टिलाइजर को लेकर आगे क्या होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि टोबैको प्रोडक्ट्स जैसे बीड़ी, सिगरेट और स्मोकलेस आइटम्स होते हैं, इस पर भी एक क्लैरिफिकेशन आ सकता है। अभी 28% प्लस सेस लगता है, तो ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार सेस हटाया जाएगा तो उस सूरत में क्या स्थिति हो सकती है। तो इंडस्ट्री मांग कर रही है कि 20% स्टेट जीएसटी और 20% सेंट्रल जीएसटी इस पे हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब देखना होगा कि जीएसटी काउंसिल इस पर क्या क्लैरिफिकेशन देता है, खासतौर से टोबैको प्रोडक्ट को लेकर। तो टोबैको प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, ये सब रेडार पर रहेंगे। आप जीएसटी काउंसिल की जो बैठक 22 जून को होने वाली है, यानी कि इस शनिवार को होने वाली है। अच्छा, इस बीच आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने कह दिया है कि वो कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस 1 जुलाई यानी कि अगले महीने की शुरुआत से ही बढ़ाना चाहेंगे। करीब 2% प्राइस हाइक कंपनी लेती हुई दिखाई देगी। ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अब तक निर्णय कंपनी ने लिया है। स्टॉक 983 के आसपास, हालांकि सुबह में यह 992 तक के हाई को छू पाया है, वहीं पर खुला था, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट भी कुछ करेक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी हल्का हल्का दबाव बनता दिखाई दिया। चलिए काम करते हैं, फटाफट से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 का पूरा अपडेट और आज जो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं